हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्टॉक ऑफ द डे वीडियो टुडे। वेल, कल के सेशन में जो लास्ट हाफ एन आवर में हुआ है, डेफिनेटली यू नो उसको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल रहता है। वन ऑफ अ इवेंट जहां पे आपको शार्प सेल ऑफ नजर आता है, एंड यूजुअली जब शार्प लिक्विडेशन होता है लॉन्ग पोजिशन का, तब ऐसा सेल ऑफ आपको एंड में लास्ट हाफ एन आवर में नजर आता है। तो अब मार्केट को अगर देखते हैं तो जो पिछला पूरा अपमूव था मार्केट का, उसका 50% रिट्रेसमेंट कल का लो है, और 50% रिट्रेसमेंट यूजुअली एक अच्छा सपोर्ट माना जाता है। और ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल निफ्टी पे 200 डीएमए से मैच करता है। तो 200 डीएमए प्लस 50% रिट्रेसमेंट सपोर्ट, ये कल का लो है, और वहीं से हमने एक बाउंस बैक देखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ऑल्दो इट इज मोर बिकॉज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैवीवेट्स में एक अपमूव आया है, ग्लोबल मार्केट्स कल पॉजिटिव थे, बट टेक्निकली अगर चार्ट्स पे देखें तो 50% रिट्रेसमेंट हैज बीन रिस्पेक्टेड एज ऑफ नाउ। सो हैव वी मेड अ बॉटम, इट्स वेरी अर्ली टू से। कल का जो हाई है अब 17,275, वो एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट रहेगा ट्रेंड चेंज के लिए। जब तक हम 17,275 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तब तक निफ्टी में अभी तक बायसनेस थोड़ा नेगेटिव रहेगा, और आज की जो अपमूव है इसको एक पुल बैक मूव तरीके से देखी जाएगी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो बैंकिंग स्पेस का पार्टिसिपेशन बहुत नेसेसरी रहेगा अगर ये 17,275 का रेजिस्टेंस क्रॉस करना है। तो 50% रिट्रेसमेंट के बाद नेक्स्ट सपोर्ट आता है 61.8% रिट्रेसमेंट, राइट। तो कल का लो 17,800 के आसपास का लेवल अगर ब्रीच होता है, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकता है कि 17,600 के आसपास 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा। सो एज ऑफ नाउ द शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज ऑन द नेगेटिव साइड। जो बड़ा डायरेक्शनल मूव है वो अब कल का हाई अगर क्रॉस करता है 17,275, तो उसके बाद आप एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि मार्केट 50% पे बॉटम बना चुका है और यहां से नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव की तैयारी कर चुका है। सो जो एग्रेसिव पोजीशंस है वो अब ना बनाए, लेट निफ्टी क्रॉस दैट 17,275। टिल देन बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, अवॉइड एग्रेसिव लॉन्ग्स। अब आते हैं स्टॉक ऑफ द डे पे। सर्टनली कुछ ऐसे स्टॉक्स जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और एक स्टॉक जो आज हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो है टाटा कम्युनिकेशन। रिसेंटली एक काफी अच्छा अपमूव ये स्टॉक में देखा गया था, और उस अपमूव में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हुए थे। पिछले कुछ दिनों में हायर लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ है, और करेक्शन में वॉल्यूम्स कम है, और मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास अब यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 1295 के आसपास अब यह स्टॉक बाय करें, 1295 से 1300 की रेंज में 1249 का स्टॉप लॉस रखें, और 1350 तक का अपमूव आप ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वुड बी रिलेटिव सेफर वन। तो ऐसे जो रिलेटिवली सेफर स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक्स में अगर आप पॉजिटिव बायस से ट्रेड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में तो आपको दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बट रिमेंबर द लेवल्स इन निफ्टी 17,275, उसके ऊपर आप फिर एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस बता क्रिएट कर सकते हैं, एंड 17,825 जो कल का लो था, अगर वो ब्रीच होता है देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 17,600। थैंक यू वेरी मच, होप दिस इज क्लियर, एंड इफ यू लाइक अवर रिकमेंडेशंस देन डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। आई सी यू अगेन इन द इवनिंग टुडे। आज डेरिवेटिव्स का डेटा डिस्कस करेंगे शाम को 4:30 को हमारे वेबिनार में। सो आई सी यू देयर, डू ज्वाइन इन अस। थैंक यू।